हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक बेल पेड़ के पास हूँ। मैं बेल पत्ता तोड़ने आया हूँ। आज सोमवार है और हम लोग का बंगला में सावन महीना शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है, सोमवार है। हम लोग पूजा करने जाएंगे आज भोलेनाथ का। तो मेरे गाँव के एक दूर एक मंदिर है, वहीं पर मैं पूजा करने जाऊँगा, आप सबको दिखाऊँगा। तब तक मैं बेल पत्ता तोड़ लेता हूँ। हम लोग रेडी होके अभी जा रहे हैं पूजा करने। तो इसी रास्ते से हम लोग को जाना होगा, थोड़ा दूर में है। बस हम लोग आ ही चुके हैं। यहाँ पे एक तालाब है, इसी तालाब से जल लेना होगा, उसके बाद उसी जल से पूजा होगा। इस मंदिर में पूजा इसी तालाब के जल से होता है। और ये तालाब कभी सूखता नहीं है, इसमें हमेशा पानी रहता है। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर। चलिए अंदर पूजा पाठ हो रहा है, आपको दिखाता हूँ।
का पूजा हो गया है, अभी प्रसाद भी देंगे बच्चे लोग को और अभी जा रहे हैं घर। आप लोग भी आइए, प्रसादी लेके जाइए और एक बार जोर से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको कुछ सुनाई दिया? जी हाँ, यहाँ पे बॉक्स सब लगा हुआ है और भोलेनाथ का जो भजन है, गाना ही सब बज रहा है। अभी मेरे गांव के सारे लड़के, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरत, लड़की, ये सब जाएंगे मेरे गांव के छोटा नदी से जल उठाने और मेरे गांव के जो शिव मंदिर है वहां पे जल चढ़ाएंगे, क्योंकि इस साल बोलबम तो नहीं जा पाया कोई भी, ये लोग सब जाते हैं। लॉकडाउन और कोरोना के चलते बाबा धाम तो कोई जा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए गाँव में ही लोग जल चढ़ाएँगे। सब तैयार हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब है। गाड़ी लगभग रेडी है जाने के लिए और सारे कांवरिया भी रेडी है, इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। शुरू हो गया है, सब जा रहे हैं, देखिए कितना भीड़ है, सब बहुत जोरों शोरों से इसमें भाग ले रहे हैं। अभी ये लोग सब जाएंगे छोटा नदी पे, वहीं से जल उठाएंगे और शिव मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। सब बहुत ज्यादा मस्ती में झूमते गाते हुए जा रहे हैं। सब आ गए हैं अपना शिव मंदिर, यहाँ पे सब जल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं।